गुड इवनिंग, जय श्री राम। बड़ो को पैर बहना छोटो को प्यार। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। तो आज हम बनाने जा रहे हैं स्वीट कॉर्न सूप, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल के अंदर, एकदम बढ़िया बनेगा। रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे मेरे आने वाली न्यू वीडियो और नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। तो चलते हैं, चलो बनाते हैं स्वीट कॉर्न सूप एकदम बढ़िया छोटे से इंट्रो के बाद। स्वीट कॉर्न सूप के लिए मैंने 1.5 करोड़ी करीब 1.5 कप के करीब स्वीट कॉर्न लिए हैं, ये बीन्स हैं और ये थोड़ी सी गाजर ली है। तो चलते हैं, पहले हम इसको मिक्सी में पीस लेंगे, एकदम प्यूरी बना लेंगे, इसमें कोई वो नहीं होना चाहिए रेशा वगैरह, और है तो उसे हम छान लेंगे। तो पहले मैं इसको पीस लेता हूँ फटाफट, इसका एक पेस्ट तैयार कर लेता हूँ। मिक्सी में डालते हैं, साथ में थोड़ा सा पानी डालूँगा इसमें, पानी कटोरी, और इसका पेस्ट तैयार कर लेते हैं, एकदम फाइन पेस्ट। फाइन पेस्ट बना लिया इसका मैंने एकदम, और जो रेशा था वो छन्नी में आ गया, ये देखिए। ऐसा आप भी कर लीजिएगा। चलते हैं गैस की साइड। मैंने ये 2.5 गिलास के करीब पानी लिया है और गैस ऑन कर देते हैं। 4 मेंबर के लिए सूप बन जाएगा इसमें से, और इसके अंदर हम अपने स्वीट कॉर्न, वेजेस, गाजर, बीन्स डाल देते हैं, और साथ में ये जो हमारा गोल तैयार करा था स्वीट कॉर्न का, ये भी ऐड कर देते हैं, और इसको उबलने देंगे कम से कम 8 से 10 मिनट तक। ऐड करते हैं थोड़ा सा इसमें नमक और आधा टीस्पून मैं डाल रहा हूँ ब्लैक पेपर, अगर आप वाइट है तो वाइट भी डाल सकते हो, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है उससे, और स्वीटनेस को बैलेंस करने के लिए मैं 2 चम्मच के करीब चीनी ऐड कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। तो उसको थोड़ी देर ढक देते हैं और उसको बॉयल आने देते हैं अच्छे से, करते हैं। तो ये झाग झाग से दिख रही है आपको, तो ये निकालनी है हमने, ये एक बार ही आएगी, बार बार नहीं आएगी, इसलिए आप निकाल सकते हो, निकाल देते हैं। जो रख देते हैं और पाल आने देते हैं, चेक करते हैं। फर्स्ट क्लास है बस। अगर आपको ज़्यादा गाढ़ा पसंद नहीं है तो आप इस समय इसको निकाल के बॉल में डाल के सर्व कर सकते हो, और थोड़ा सा आपको बिल्कुल होटल जैसा चाहिए, रेस्टोरेंट में चाहिए, तो मैंने 2 टीस्पून के करीब अरारोट लिया, तो ये इसमें थोड़ा पानी डालते हैं, उस पर घोल तैयार कर लेते हैं। और थोड़ा थोड़ा करके ये ऐड करेंगे, एकदम सारा नहीं डालना। इतना इसको हमें गाढ़ा चाहिए उसके हिसाब से हम डालेंगे। अरारोट का ये जो डाला है हमने बैटर, इसको कम से कम 1 से 2 मिनट तक पकाना जरूर है, नहीं तो उसमें कच्चापन का फ्लेवर रह जाएगा। वैसे मैं ज़्यादा गाढ़ा रखूँगा नहीं, बिल्कुल सही है ये, इतना ही होना चाहिए, मुझे ज़्यादा गाढ़ा पसंद नहीं है, आप अपने हिसाब से देख सकते हो तो आपको कितना गाढ़ा चाहिए सूप। और लास्ट में इसमें ऐड करेंगे हम बटर, बटर से इसमें फ्लेवर आ जाएगा पूरा, तो 1 टेबल स्पून के करीब डाल रहा हूँ,
और जब तक इसको मिलाएंगे जब तक ये पूरा मेल्ट नहीं हो जाए इसमें अच्छे से। स्वीट कॉर्न के साथ बटर का फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है। सूप हमारा बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए, तो ऊपर से हम डालते हैं थोड़ा सा फ्रेश धनिया, मिक्स कर देते हैं और सर्व करते हैं इसको फटाफट। सर्व करते हैं, बिल्कुल होटल स्टाइल रेस्टोरेंट स्टाइल कॉर्न सूप तैयार है हमारा। आई होप आपको मेरे बनाया कॉर्न सूप की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे मेरे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। फ्रेश सूप का बात ही कुछ और है और घर के बने हुए की तो बस क्या कहने। अगर आना बिल्कुल होटल स्टाइल रेस्टोरेंट स्टाइल रेसिपी पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।